हे गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल अर्जुन स्टूडियो पॉइंट। तो जैसे कि आपने थंबनेल एंड इंट्रो में जो अभी वीडियो एंड वो टेम्पलेट दिखा, तो वैसा टेम्पलेट आप बना सकते हो। कैसे बना सकते हो को मैं वीडियो में फुल वाच मतलब फुल पूरी डिटेल्स दूंगा स्टेप बाय स्टेप, तो वीडियो को फुल वाच कर लीजिएगा, आप वैसा टेम्पलेट बना सकते हो। अदरवाइज हमारे चैनल पर विजिट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर टेम्पलेट वॉइस टैग और FLM प्रोजेक्ट और टेम्पलेट वगैरह बहुत सी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती हैं। तो अदरवाइज चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को लाइक कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो, बट एक बार फिर बोल रहा हूँ, अगर नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो जो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लेना। तो वैसा टेम्पलेट कैसे बना सकते हैं, हाउ टू मेक एन टेम्पलेट डीजे जैसा, तो वो मैंने एक टेम्पलेट डीजे सॉन्ग में देखा था। अदरवाइज मैं एक सब्सक्राइबर ने ही कमेंट किया था, तो मैं डीजे का नाम नहीं लूँगा। अदरवाइज आप वैसा टेम्पलेट कैसे बना सकते हैं, उसके लिए आपको एक एबी प्लेयर का एप्लीकेशन चाहिए होगा, तो एबी प्लेयर डाउनलोड कर लीजिएगा। बट और जैसे ही आप अभी प्लेयर को ओपन करोगे तो आपको एक टेम्पलेट पहले से ही मतलब इसी टेम्पलेट के ऊपर हम वो टेम्पलेट को एडिट करेंगे। तो इस टेम्पलेट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा था, बस इसी टेम्पलेट को डाउनलोड करिएगा, उसके बाद बनाएंगे ठीक है। तो इस टेम्पलेट को डाउनलोड कर लीजिएगा, उसके बाद आपको यहाँ पे चार बॉक्स यानी कि 9 बॉक्स दिख रहे हैं, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे लोड फ्रॉम फाइल पे क्लिक करके जो आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स से टेम्पलेट डाउनलोड किया है उसे यहाँ पे लोड कर लीजिएगा, जिस भी फोल्डर में डाउनलोड हुआ होगा। उसके बाद इस प्रकार से आपको इसका देखने को मिलेगा डेस्कटॉप। तो इसका सुनाकर दिखा देता हूँ इस किस किस प्रकार से ये है ठीक है। तो ये अभी नॉर्मल है, तो हम इस पर एडिट कर देंगे। तो यहाँ पे ऊपर आपको देख सकते हो पेंसिल का आइकन मिल जाता है, उससे पहले हम इसे रोटेट कर लेते हैं ठीक है। देते हैं इसे हम रोटेट कर लेते हैं इस प्रकार से। तो इस प्रकार से रोटेट करने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे पेंसिल का आइकन आपको मिल जाता है। पेंसिल का आइकन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो आपको बहुत सारी यहाँ पे चीज़ें मिल जाती हैं। नीचे स्क्रॉल करोगे आपको देख सकते हो सबसे नीचे टेक्स्ट एंड बार्स मिल जाते हैं, 3 बार्स मिल जाते हैं टेक्स्ट के ऊपर। तो इन 3 बार्स हैं, तो इनको आपको यहाँ पे जनरल पे जाकर और यहाँ पे विजिबल को इनेबल कर लेना ठीक है। विजिबल है तो इसे इनेबल कर लेना, मतलब अनटिक होगा तो टिक कर देना, और इन तीनों को ऐसे ही इन मतलब दोनों को तीनों को नहीं दोनों को आपको अनटिक होगा तो टिक कर देना। और बैक करके दिखा दें तो इस प्रकार से आपकी टेम्पलेट बन जाएगी ठीक है। तो आप देख सकते हो, तो इसमें और भी चीज़ें ऐड करनी है, तो फिर से आपको प्लस के आइकन पे मतलब सॉरी पेंसिल के आइकन पर आना है, और यहाँ पे देख सकते हो कि आपको यहाँ पे पार्टिकल्स देखने को मिल जाता है, पार्टिकल्स पे क्लिक कर देना है। तो पार्टिकल्स पे आना है और जनरल पे आपको ऊपर ही आपको जनरल मिल जाएगा, जनरल पे जाना है। तो यहाँ पे विजिबल आपको देख सकते हो तो इनेबल करना है, मतलब अनटिक होगा तो टिक कर दीजिएगा। उसके बाद बैक करते हैं, बैक करने के बाद देख सकते हो इस प्रकार से इसका एनिमेशन स्टार्ट हो चुका है ठीक है। अब इसके बाद फिर से आपको प्लस ये मतलब सॉरी प्लस पेंसिल का आइकन पाना, और आपको देख सकते हो फर्स्ट में ही आपको यहाँ पे ऊपर ही आपको यहाँ पे देख सकते हो तो इमेजेस मिल जाती है 1, 2, 3। तो नंबर 3 वाली इमेज पे इस पर आपको क्लिक कर देना ठीक है। यहाँ पे 3 नंबर की इमेज पे क्लिक कर देना, और यहाँ पे जनरल पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे जनरल पे क्लिक करोगे तो टिक मार्क होगा, और देख सकते हो यहाँ पे पोजीशन आपको यहाँ पे देखने को जाती है, पोजीशन के सामने आपको यहाँ पे टच करना है, जहाँ पे आपको पोजीशन के सामने इस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि आपको 2 लाइंस मिल जाती हैं, तो इन दोनों लाइंस को आपको लाना है 0.500। यहाँ पे इन दोनों को आपको कर देना है। तो जैसे आप 0.500 कर दोगे देख सकते हो इस प्रकार से आपका एनिमेशन। और अभी इसमें और एडिटिंग करनी है, तो फिर से आपको आना है पेंसिल के आइकन पर, उसी के ऊपर आपको 2 इमेजेस मिल जाती हैं देख सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पे जनरल पे जाना हो इसे भी अनटिक कर, अनटिक होगा तो टिक मार्क कर देना ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पर टिक मार्क कर दोगे तो यहाँ पे देख सकते हो टिक मार्क करने के बाद कोई भी इफेक्ट आपको शो नहीं करेगा। और अदरवाइज आपको एक और नीचे इमेजेस मिल जाए तो उस पर भी क्लिक करना है, और इसे भी आपको टिक मार्क कर देना है। अभी भी देख सकते हो यहाँ पे कोई भी आपको इफेक्ट शो नहीं कर रहे हैं। तो फिर से आपको प्लस पेंसिल का क्यों लेना, और जो आपने ऊपर आपको 2 इमेजेस मिल जाती तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एक आपको डॉट मिलेगा, वाइट कलर का डॉट देखने को मिल जाता है। तो इस पर क्लिक करके रखना है इस प्रकार से, और इसको नीचे लाना है आप इस इमेज के नीचे मतलब पार्टिकल्स के पास में ठीक है, इस प्रकार से। और ऊपर का जो इमेज है उसे भी आपको क्लिक करके रखना है, और इसे भी पार्टिकल्स के जस्ट नीचे लेके आ जाना ठीक है, या ऊपर भी कर सकते हो इस प्रकार से। अब आप देख सकते हो कि हमारा टेम्पलेट हो चुका है तैयार। ये अब इसको हम प्ले करके दिखाएंगे, और जैसे हमने इंट्रो में बताया था वैसा ये वर्क करेगा। तो चलो हम इसे चला के दिखा देते हैं, और आप लोग भी इसी तरीके से इस टेम्पलेट को बना सकते हैं। इस टेम्पलेट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके बाद आप वीडियो देख कर इसे बना लीजिएगा। तो चलो सुना देता हूँ।
आई होप आप लोगों को भी सब समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया तो वाइज डाउनलोड कर लीजिए टेम्पलेट, और इसे भी इसी तरीके से आप एडिट कर लीजिए। कुछ ज़्यादा सेटिंग्स नहीं बताई हैं, इसी तरीके से आप वीडियो को फॉलो करके इस टेम्पलेट को बना सकते हो। अदरवाइज वीडियो पर नए हो, चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करके जाना, क्योंकि हम ऐसे ही टेम्पलेट देते रहेंगे। और कॉमेंट बॉक्स में बताना आपको किस डीजे में, मतलब यूट्यूब पर आप किसी भी डीजे सॉन्ग पर टेम्पलेट वगैरह या ऐसा वीडियो देखते हो तो आप वैसा बनाना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, हम वैसा टेम्पलेट बनाकर दे देंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, और जाते जाते लाइक कर दो यार, वीडियो को देखा तो लाइक कर दो।